हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ रशिका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक, जो कि हमारी क्लास 12 की है। तो इसकी काफ़ी लेसन कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग तो एंड में आ गए हैं, फोर्थ लेसन और बाकी है। लास्ट लेसन हम लोग कल देखे थे इंडियन नेशनल मूवमेंट की एंड की, किस तरीके से गांधी जी आए थे और हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी हमें, और उसके बाद पार्टीशन भी हो गया था, एक अलग स्टेट कंट्री बन गई थी जो कि पाकिस्तान की थी, और हमारी इंडिया जो 1947 में 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया था, और 15 अगस्त 1947 में इंडिया यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं कि तमिलनाडु का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा था। तो अलग से ये देखना होगा क्योंकि ये आपका, तो जैसा कि ये आपका तमिलनाडु की बुक है, तो इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु की क्या रोल रही है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इसलिए ये टॉपिक दिया गया। लेकिन ये लेसन आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या तमिलनाडु के अलावा कोई और भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ तमिलनाडु ही रीजन में और वहीं के स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज और कभी भी ऐसा स्पेसिफिक रोल को नहीं पूछा जाता। ऐसा पूछा जा सकता है कि सदर्न इंडिया का क्या रहा रोल नेशनल मूवमेंट में, लेकिन इस तरीके से पर्टिकुलर स्टेट का कभी नहीं पूछा जाता है यूपीएससी में ना ही। अगर आप स्टेट पीसीएस के हो तो ज़रूर आपके स्टेट से पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए इस लेसन को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं जस्टिस पार्टी रूल, जो कि हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जितने भी लेसन कंप्लीट हो चुके उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो ये रही लेसन नंबर 18 और द जस्टिस पार्टी रूल के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो वो सारी फैक्टर्स देखेंगे जिसके कारण नॉन ब्राह्मण मूवमेंट जो है वो राइज हुआ था, वो भी मद्रास प्रेसिडेंसी में। उसके बाद जेनेसिस देखेंगे कि जस्टिस पार्टी की क्या जेनेसिस थी, फिर जस्टिस पार्टी की पावर देखेंगे, फिर इसकी क्या अचीवमेंट हुई वो देखेंगे, और मद्रास प्रेसिडेंसी में इस तरीके के जस्टिस रूल का एंड कैसे हुआ वो भी देखेंगे। तो जो जस्टिस पार्टी रूल थी ना, वो मद्रास प्रेसिडेंसी में थी, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने को मिलेगा आपको साउथ इंडिया में। तो जो आइडियोलॉजी और जो ऑब्जेक्टिव थी जस्टिस पार्टी की, वो यहाँ पे काफ़ी यूनिक थी और समहाउ डिफरेंट भी थी जो हमारी कांग्रेस पार्टी चल रही थी सेंटर में। जस्टिस पार्टी जो है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पर सोशल रिवोल्यूशंस भी काफ़ी लिया गया था जो कि ब्राह्मण के डोमिनेशंस के अगेंस्ट में था, और ये यहाँ पर पब्लिक सर्विस की थी और एडुकेशन की थी। अब देखते हैं कि किस तरीके से इसकी जन्म हुई जस्टिस पार्टी की। तो बहुत सारी फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें कि जस्टिस पार्टी का जो फॉर्मेशन हुआ वो यहाँ पे निकल कर आया, और यहाँ पे जितने भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट थे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो सोशल डोमिनेंस था वो आपका ब्राह्मण का था, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट थी वो यहाँ पर निकल कर आई। यहाँ पर हाई प्रोपोर्शंस देखने को मिल रहा था सिविल सर्विस में, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और उनकी प्री डोमिनेंस भी देखने को मिल रहा था मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि काफ़ी एक चिंताजनक बात थी सारे नॉन ब्राह्मण में। और ब्राह्मण जो थे यहाँ पे मोनोपलाइज्ड भी करते थे प्रेस को, यानी प्रेस उन्हीं के हिसाब से ही चलती थी, और जो रीडिस्कवरी थी जो तमिल लैंग्वेज की ग्रेटनेस का, लिटरेचर का, वो भी एक नॉन ब्राह्मण को ना एक अच्छा स्टेटस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। पर्टिकुलरली क्या हुआ कि जो हमारे एक बुक निकल कर आई थी, जैसे कि कॉम्परेटिव ग्रामर ऑफ ड्राविडियन और साउथ इंडिया फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, और ये आपका रॉबर्ट कार्डवेल के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था 1856 में। यहाँ से आपका ड्राविडियन कंसेप्ट का जन्म हुआ। जब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी तमिल लैंग्वेज जो एंशियंट में थी वो यहाँ पे फिर से रीडिस्कवर्ड हो पाई, और बहुत सारे तमिल स्कॉलर के थ्रू यहाँ पे लिखा भी गया, जिसमें कि अरुमुंगा नवालर है, सीवी दामोदरम पिलाई है, यूवी स्वामीनाथा आयर है। ओके, ये सारे हैं जो कि फेमस आपके हिस्टोरिकल वर्क किए गए हैं तमिल की 1800 ईयर्स अगो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तमिल ने काफ़ी हाई डिग्री ली थी सिविलाइजेशंस में, जब यहाँ पे आर्यन आ गए थे। आर्यन के आने के बाद हमारी इंडियन सिविलाइजेशन भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी, तमिल भी ख़त्म हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर द्राविडियन फीलिंग्स की यहाँ पे ग्रोथ होने लगी, जो कि आपका नॉन ब्राह्मण में हुआ था। जो कुछ फैक्टर्स थे यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं जिनके कारण नॉन ब्राह्मण मूवमेंट का जन्म हुआ था, जैसे कि जस्टिस पार्टी। तो जो आपका जस्टिस पार्टी था ये मद्रास यूनाइटेड लीग में था, और इसको रीनेम करके मद्रास ड्राविडियन एसोसिएशन कर दिया गया था 1912 में। डॉक्टर सी नतेशा मुदालियर जो थे वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहे थे, और 1916 में जो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन थी वो यहाँ पे बनी थी, और उसका पर्पज़ था कि जितने भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थी नॉन ब्राह्मण कास्ट हिंदूज़ की, उनकी पर्पज़ को यहाँ पे फुलफिल करना है। जो लीडर है वो यहाँ पे आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा था उसमें थे, जैसे कि पिट्टी थेगरा छेट्टी, डॉक्टर टी एम नायर और पी रामायानीगर। ओके, तो ये सारे लोग थे जिनको जो यहाँ पे आपके एसोसिएटेड थे, जो साउथ इंडियन लिबरल
फेडरेशंस थी वो इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश की गई थी, जिसको जस्टिस कहा जाता है, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आई थी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिस पार्टी कहा गया था। जो कुछ और न्यूज़पेपर थी जो कि सपोर्ट किए जाते थे जस्टिस पार्टी के द्वारा, तो वो थी द्राविडियन, और जो जस्टिस पार्टी थी वो भी एक तरीके का सीरीज़ को ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें कि पब्लिक मीटिंग होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, लेक्चर होती थी, जिसमें जितने भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट थे उनको पॉपुलराइज़ किया जाता था। जस्टिस पार्टी जो थी एक तरीके की जस्टिस एसोसिएशन फॉर्म करती थी, जो कि नॉन ब्राह्मण यूथ लीग भी थे। जस्टिस पार्टी रूल अब देखते हैं, जो जस्टिस पार्टी है वो पावर में आई थी और यहाँ पे इलेक्शन हुई थी 1920 में, तब हुई थी, जो कि मॉन्टेक्यू जेम्स फॉर्म रिफॉर्म के बाद आई थी। जो जस्टिस पार्टी है उन्होंने 63 कैप्चर कर रखी थी, कितने में से, आउट ऑफ आपकी 98 इलेक्टेड सीट में, यानी 98 इलेक्टेड सीट में उन्होंने 63 को कैप्चर कर लिया था, और ये आपका मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी। अगर पिट्टी चिट्टी की बात करें तो उनकी जो लीड थी ना मिनिस्ट्री में वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और जो सबरयालु रेडियर थे उन्होंने मिनिस्ट्री को फॉर्म किया। अगर 1923 के इलेक्शन आप देखोगे तो ये भी आपका स्वराज पार्टी के अगेंस्ट में लड़ा गया था। जो जस्टिस पार्टी थी वो फिर जीत के आई थी मेजोरिटी के साथ, और यहाँ पे मिनिस्ट्री बनाई थी राजा ऑफ पनागल के साथ। इलेक्शन जो 1926 में हुई थी वो एक जस्टिस पार्टी को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिए थे, और यहाँ पे यूनाइटेड कांग्रेस के द्वारा इसको अपोज किया गया था। अगर देखें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो ए सुब्रयर थे उनके हेल्प से स्वराज पार्टी जो है यहाँ पे मिनिस्ट्री फॉर्म कर पाई। 1930 की बात करें तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होने वाला था तो जस्टिस पार्टी जो थी वो यहाँ पे मेजोरिटी के साथ जीत कर आई, और फिर बी मुनिस्वामी नायडू के साथ यहाँ पे मिनिस्ट्री बनाई। उसी तरीके से 1932 में जो राजा ऑफ बोबिली थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंसी से रिप्लेस किया। फिर 1934 में राजा ऑफ बोबिली ने यहाँ पे सेकंड मिनिस्ट्री फॉर्म की, और ये अपने पावर में रहे जब इलेक्शन 1937 में हुई। लेकिन अब देखते हैं कि जस्टिस पार्टी की अचीवमेंट क्या थी। तो जस्टिस पार्टी को यहाँ पे रीनेम किया गया उस पावर में, और यहाँ पे वो 30 ईयर्स तक पावर में रहे। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना सोशल जस्टिस के लिए और सोशल रिफॉर्म्स के लिए याद की जाती है। जस्टिस रूल जो है यहाँ पे एडुकेट रिप्रेजेंटेशन दिए थे, जिसमें कि नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ थे पब्लिक सर्विसेज के लिए। यहाँ पे जितने भी स्टेटस थी डिस्प्रेस क्लास की नीचे सोसाइटी के लोग की, उनकी यहाँ पे इम्प्रूव हुई थी, और एजुकेशन रिफॉर्म्स के साथ। तो जस्टिस पार्टी जो कि कुछ रिफॉर्म्स देखने को मिला था एजुकेशन के फील्ड में, तो ये देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। यहाँ पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रख दिया गया था, वो भी फर्स्ट टाइम मद्रास में। यहाँ पे 3000 जो फिशर बॉय थे और फिशर गर्ल थी उनको ऑफर किया गया था फ्री स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के द्वारा दिया गया था। मिड डे मील जो है यहाँ पे दिया गया था सेलेक्टेड कॉरपोरेशन स्कूल में। उसके बाद मद्रास एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट के तहत यहाँ पे अमेंड करके 1934 में और 1935 में एलिमेंट्री एजुकेशन को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया था। फिर आप देखो कि जो एजुकेशन था गर्ल्स का वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था इस समय जब जस्टिस रूल इन मद्रास में थी। फिर एजुकेशन जो डिप्रेस्ड क्लासेस का था वो भी यहाँ पे लाया गया था, और लेबर डिपार्टमेंट के साथ यहाँ पे इंक्रीजमेंट मिला था आयुर्वेद को, सिद्धा को, और यूनानी मेडिकल एजुकेशन को। ओके, तो आज के डेट में आप देखोगे कि आपका आयुष चल रहा है, तो आयुष में भी ये आता है आपका आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा। ओके, तो इस तरीके की होम्योपैथी, तो ये आयुष आज के डेट में चलता है। तो आप लिख सकते हो इसको कि ये हमारे जस्टिस पार्टी से निकल कर आया था, क्योंकि उस समय भी रिफॉर्म हुई थी आपका आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी। जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पावर में आई थी, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मुनिसिप को उन्होंने अपॉइंट किया था, जो कि हाईकोर्ट के आउट ऑफ कंट्रोल थी। जो कम्युनल थे जीओ 1921 और 1922 के, उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी रिजर्वेशन में, वो भी लोकल बॉडीज़ में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज़ को। और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो ये भी पंगल मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था 1924 में, जिसमें कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 1929 में आया था। ये ऐसा पहली बार हुआ था। विमेन की बात करें तो उनको भी राइट टू वोट का अधिकार दे दिया गया था सेम बेसिस पे जैसे मेल को दिया जाता है। हिंदू रिलीजियस इंडोमेंट एक्ट 1921 की देखें तो ये भी पनागल मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे इनैक्ट किया गया था, और यहाँ पे करप्शन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया मैनेजमेंट ऑफ टेम्पल्स में। जस्टिस पार्टी की गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा किए, यानी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उनमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए। इंडस्ट्री स्टेट एड जो है यहाँ पे ग्रोथ होने लगी थी इंडस्ट्री एक्ट के तहत, और यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था न्यू इंडस्ट्रीज़ का हुआ था, जैसे सुगर फैक्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग वर्क हो गई, टेनरीज, एलुमिनियम फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, ऑयल माइनिंग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ये एक्ट जो है एक क्रेडिट प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, साथ ही यहाँ पे लैंड और वाटर भी अलॉट होती है। ये प्रूफ करती है जितनी भी फेवरेबल आपकी कंडीशंस होती है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की। इसी तरीके से अगर बात करें तो जस्टिस पार्टी गवर्नमेंट जो है एक स्कीम्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट की बात की जाती है, और वहाँ पे जितनी भी एग्रीगेरियन पॉपुलेशन है ना उनको हेल्प किया जाता है। पब्लिक हेल्थ स्कीम भी आई थी जिसके थ्रू जो भी डिजीजेज है उनको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाए। साथ ही विलेज इकॉनमी को भी यहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है, विलेज रोड
स्कीम को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। मद्रास की सिटी में बात करें तो टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी बनाया गया था मद्रास कॉरपोरेशन में, जिसमें कि आपका इंट्रोड्यूस हुआ था स्लम क्लियरेंस और हाउसिंग स्कीम। और साथ ही अगर सोशल वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे जस्टिस पार्टी गवर्नमेंट ने एक वेस्ट लैंड भी दी थी, वो भी विलेज में, जो कि सारे डिप्रेस्ड क्लास को दी गई थी। देवदासी सिस्टम जो था, जहाँ पे वीमेन को काफ़ी डिस्क्रेस किया जाता था, वो भी ख़त्म किया गया। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है रीऑर्गेनाइज़ की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को, और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो आंध्र यूनिवर्सिटी थी वो भी 1926 में इस्टेब्लिश हुई थी, और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी जो है 1929 में। लेकिन फिर उसके बाद देखते हैं, इतना अच्छा काम करने के बाद, सोशल रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म करने के बाद भी जस्टिस पार्टी रूल का ख़त्म कैसे हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 की है, वो एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देती है और इलेक्ट्रॉल विक्ट्री देती है, जिसका मतलब है कि जितने भी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रोविंसेस के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में थी, जो कि जस्टिस पार्टी लीड करते थे। सी राजा गोपालाचारी जो थे वो कांग्रेस को लीड कर रहे थे साउथ में। अगर 1937 की इलेक्शन देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पे 152 सीट कैप्चर किए थे 215 टोटल सीट से, और 226 जो है 46 के लेजिस्लेटिव काउंसिल में किए थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा किए थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी वो 26 किए थे। अगर 1937 में देखें तो कांग्रेस ने यहाँ पे मिनिस्ट्री फॉर्म की थी, वो भी सी राजा गोपालाचारी के अधीन में। जो जस्टिस पार्टी का रूल था वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिला सोशल लेजिस्लेशन का, जो कि कम हो गया था। जस्टिस पार्टी में बहुत ज़्यादा था, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद ये कम हो गया था। 1944 में जस्टिस पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो सलेम में हुई थी, और यहाँ पे जो अन्ना थे वो पास किए थे एक रिजोल्यूशन, जिसमें कि जो जस्टिस पार्टी का नाम था ना, उसको द्राविडियर कलागम के नाम से चेंज कर दिया गया था। तो इस तरीके से हमारा जस्टिस पार्टी जो है एंड आ गया। तो अब देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मण कम्युनिटी का डोमिनेशन था पूरे सिविल सर्विस के ऑल स्फीयर में, एडुकेशन में, और इसी के कारण जो है नॉन ब्राह्मण मूवमेंट निकल कर आया। जो जस्टिस मूवमेंट था उनके लीडर कौन कौन थे वो देखें। जस्टिस मिनिस्ट्री हमारे 1920 से 1937 के बीच में क्या थी वो देखें। जो जस्टिस पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन की अचीवमेंट है वो देखें, और किस तरीके से जस्टिस पार्टी डिक्लाइन हो गई वो भी देखें। तो गाइज, यहाँ पर ये लेसन पूरी तरीके से एंड हो गई है। चलिए कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। साउथ इंडियन लिबरल जो फाउंडेशन है वो किस ईयर में फॉर्म्ड हुआ, और यहाँ पे जर्नल जो कि पेरियार ईवीआर के द्वारा ये जो फाउंड किया गया था, तो उनमें से कौन सी नहीं है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी अगर आप एक देख लोगे कि हिंदू रिलीजियस एक्ट जो है वो किस ईयर में पास हुआ था। बस इतने क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुछ बच्चे यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, मैं उनको चेक भी कर देती हूँ। तो आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस के लिए ज़रूर आंसर करते रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि आपने इस लेसन को कितना अच्छा से समझा है। ओके, तो चलिए इस लेसन को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ ही साथ अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।